हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम मटर से एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं, एक नहीं तीन रेसिपी बनाते हैं। एक ही तरह का डो रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा उसमें, और इतनी शानदार रेसिपी जिसे आप महीने भर 2 महीने स्टोर करके रखें और मटर का भी टेस्ट आएगा और बहुत ही शानदार बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और तीन तरह की रेसिपी एक ही वीडियो के अंदर, तो फ्रेंड्स आप भी देखते जाइए। और मैं किस तरह से तीन तरह की रेसिपी बना रही हूँ, हर त्यौहार पर, हर फंक्शन में, या वैसे ही चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर से तीन तरह की रेसिपी। तो मटर से तीन तरह की रेसिपी कैसे बनेगी, एक सादा बनेगी और दो तरह की मटर से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं, उसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, मैंने इसे बॉयल नहीं किया है। ये कच्चे मटर ही है जिसे हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद देखिए इसका इस तरह का पेस्ट हमारा बन जाएगा, बिल्कुल महीन हमें इसको ग्राइंड करना है। और इसे हम रखते हैं साइड में। यहाँ लेते हैं हम एक प्लेट जिसके अंदर हमें लेना है थोड़ा सा मैदा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ली है। आप चाहे तो नॉर्मल आटे में भी इसे बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाएगा। अब इसे हम डालते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। आप जीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैं जीरे वाले बना रही हूँ इसलिए जीरा डाल रही हूँ। अब जो हम मटर का पेस्ट बना के रखा था, उस पेस्ट के अंदर हम इसका डो लगाएंगे। हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ हमें जो मटर का पेस्ट बनाया था उस पेस्ट के अंदर ही हमें इसको जो है डो लगाकर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर थोड़ा लिक्विड हो जाता है तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको करना है। थोड़ा सा इसमें डालना है ऑयल, यानी कि 2 छोटे चम्मच हमने इसमें ऑयल का लिया है, और इसको अच्छे से डो के जैसा लगा करके रेडी कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हाथों में चिपकेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में एकदम सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, डो के जैसे आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगा ले हाथों में ताकि आप ये हाथों में चिपके नहीं, और अच्छे से बिल्कुल जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं उसी तरह से इसका डो लगा करके हमें रेडी करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डो हमारा लगने वाला है, और अच्छे से इसको लगाना है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको हम फिर ढक कर रखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा जो मटर वाला डो था वो बन करके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे लगा लिया। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सा डो लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी चपाती बेलनी है। तो चपाती बेलने के लिए हमें इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और उसके बाद में इसकी पतली सी चपाती बेलनी है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बेलन से थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए लगाते हुए इसके ऊपर, और फिर बेल लेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा चिपक रहा है तो और थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा घी लगा करके भी आप इसको बेल सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से पूरी तरह से बेल लिया है, बिल्कुल पतली सी लेयर हमको इसकी बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। और उसके बाद में हमें एक ग्लास लेना है। ग्लास से हमें इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से पूरियों की शेप में हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ जैसे, और ये पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। इसी तरह से एक्स्ट्रा जो इसके अंदर बच जाता है आटा, हमें उसको साइड में रखना है, और फिर दोबारा जब हम चपाती बेलेंगे उसके अंदर हम इसको ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी की चपातियां भी बेलनी हैं, कहीं से रह जाता है तो आप उसे दोबारा कट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारी पूड़ियाँ बेल करके रेडी कर ली है। अब देखिए अभी करना क्या है हमें, अभी हमें इस तरह से एक चपाती को, एक पूड़ी को लेना है, और इसके ऊपर लगाना है ऑयल। ऑयल लगा करके इसको फोल्ड करना है एक बार, और फिर ऑयल लगाना है इसके ऊपर, और फिर से इसको फोल्ड करना है। और इस तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे, और इसके बाद में हल्के हाथ से हम इसको बेलन से बेलेंगे, और बेलने के बाद में हमारी जो ये है मटर की मठरी बन करके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सभी को इसी तरह से कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक को आपको बेल करके भी दिखाती हूँ कि इसको बेलने के बाद में हमें हल्के हाथों से बेलना है, वैसे नहीं बेलना है। तो पहले सभी के ऊपर ऑयल लगा देते हैं, और पूरी मटरी हम बना करके रेडी कर लेते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बनने वाली है, और आप इसे काफ़ी समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई भी त्यौहार आता है, फंक्शन आता है, तो आप इस तरह की मटरियाँ बना करके रख सकते हैं, ताकि कहीं पर भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप उसे स्टोर करके ले जा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको हल्के हाथ से एक बार बेलने वाली हूँ, और इस तरह से इसको हमें हल्का सा बेलना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरी और
सॉफ्ट सी रहेगी, क्रिस्पी रहेगी। तो ये देखिए, इसे हमें क्या करना है, बेलने के बाद में फॉक से इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डॉट्स लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, और अगर हम इस तरह से फॉक से ये नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगी, और फूल करके ये थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। तो हमें बनानी है मटर की मठरी, तो इसलिए हम इसको फॉक से ऐसे डॉट्स कर देंगे। तो इसी तरह से हम सभी के अंदर इस तरह से डॉट्स लगा देंगे फॉक से, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और जब तक इनको हम थोड़ा सा रख देंगे और बाकी की बना लेंगे, तो इसके थोड़ी सी हवा लग जाएगी, यानी कि थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ये, तो और भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम इसको इसी तरह से बनाने के बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो मैंने जितनी भी बनाई थी ना, उन सभी को यहाँ पर बना करके रेडी कर लिए। चलिए मैं एक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें पीछे की तरफ भी ये इस तरह से पूरा पहुँच चुका है। तो बाकी की जो बनी हुई हैं, अभी हम उनको भी इसी तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल गरम हो चुका है, तो हम इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर डालते ही हमें इसको पलट देना है, नहीं तो एक साइड से अच्छे से सिक जाएगी और दूसरी साइड से थोड़ा सा रह जाएगी। तो इसीलिए हमें इसको डालना है। और डालते ही देखिए, इसमें नीचे की तरफ से तो कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको पलटते हुए दोनों साइड से सेकना है हमें। और ये इस तरह से कलर चेंज होने तक हम इसको निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए हैं, उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, आप भी इसे देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर मटर वाले में तो मसाले कुछ ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है, तो इस तरह के मसाला मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर जैसे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा और भी मसाला आप इसमें डाल सकते हैं, काले मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये मठरी जो थी मटर की, नमक वाली मठरी है ये, और नमकीन मटरी हम दूसरी बनाने वाले हैं। तो ये तो मटर की नमक वाली मटरी हो गई है, अब मसाले वाली मटरी बनाएंगे तो उसमें हम मटर नहीं डालेंगे। तो चलिए मैं आपको एक को तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी आराम से और सॉफ्ट सी हो गई है ये, बहुत ही क्रिस्पी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस दूसरी रेसिपी पर, जो कि मैं बता रही थी कि मसाले वाली बनाएंगे, मटर की नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने एक कटोरी मैदा ली है, उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, और थोड़ा सा जीरा, साथ ही में अजवाइन भी इसी में डाल दी मैंने। और यहाँ मैंने हाथों से पीसी हुई लाल मिर्च की चटनी भी इसमें डाल दी है। ये देखिए लाल मिर्च की, जिसमें थोड़ा सा मोटी मोटी लाल मिर्च की हुई है। तो और साथ ही में इसमें हमने डाल दी है दो चम्मच ऑयल। अब ये ऑयल इसमें डालने से क्या होगा कि थोड़ा सा ये मूरन इसमें लग जाएगा, और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हमारी जो है मठरी बनकर रेडी हो जाएगी। इसे हाथों से अच्छे से मसल लेना है हमें पहले, ताकि पूरा मसाला और जो ऑयल था वो सारा इसमें आटे के अंदर अच्छे से मिल जाए। उसके बाद में हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो अभी देखिए मूरन और जो मसाला है सब किस तरह से मिल चुके हैं, आटा भी इकट्ठा हो रहा है ना, ठीक है, अभी बिल्कुल सही पोजीशन में है ये। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल करके इसका भी हम डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका डो लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें कलर आ रहा है, तो वो हल्दी का कलर आ रहा है। इसी तरह से हम ये बनाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स आप। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, और 5 से 10 मिनट के बाद हम इसकी इसी तरह से मठरी बनाएंगे, जैसे कि हमने मटर वाली की मठरी बनाई थी ना, सेम उसी तरह। तो ये दो तरह का आटा है, अभी मैं मटर की मठरी जो बनाई थी उसी में से आटा बचाया था, उस आटे का हम एक और रेसिपी बनाएंगे, तो वो मैंने रख दिया है साइड में। और ये रेस्ट करने के बाद में मैंने इस आटे को ले लिया है, और इसकी भी हमें वही करना है, इसके दो पार्ट कर लेने हैं, और इसकी भी बड़ी सी चपाती बेलना है। उसी से हमें, जैसे हमने ग्लास से उसको कट किया था, वैसे ही इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको बेल लेती हूँ डस्ट करके, आटा इसके ऊपर, मैदा इस पर मैंने लगा दी है, और उसके बाद में मैं इसको चपाती को बेल लेती हूँ। और इसे हमें बिल्कुल पतली बेलना है, जैसे कि हमने मटर वाली मठरी को बेला था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको भी पतला बेल लेना है। देखिए आप, मैंने इसको बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, वही ग्लास लेना है एक, या कटोरी, या आपके पास अगर कोई और शेप में है तो आप उसमें भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही मैं इसमें कट लगा करके गोल गोल शेप की पूड़ियाँ बना लूँगी छोटी छोटी सी, ये देखिए।
और इन सब को निकाल लेंगे हम पहले की तरह ही। और जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है उस एक्स्ट्रा आटे को भी हम काम में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ख़ास बात ध्यान रखने की यही है कि जब भी आप इसको बनाएं तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है और पतली बेलना है और थोड़ा सा सुखा करके फिर आपको इसको फ्राई करना है। अब ये देखिए, मैंने इसमें भी ऑयल लगा दिया है दोनों तरफ से, और फिर से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे ऑयल लगा के। ये देखिए, इसी तरह से मैंने जैसे पहले किया था सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे। और हमारी ये दूसरी मटरी भी बन करके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, ये भी इसी तरह से बन चुकी है फ्रेंड्स। अब इसे भी हम यही करेंगे, सभी को इस तरह से बना करके रेडी कर लेंगे और फिर बाद में जो है उसको इसी तरह से बेलन से बेल करके थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेलन से बेल लिया है और बेलने के बाद में मैंने इसको पतला कर लिया है। और इसी तरह से वही फॉर्क लगाना है, फॉर्क से हमें इसको इस तरह से डॉट्स कर देने हैं इसमें, जिससे कि ये भी कुरकुरी बने। और इस तरह से मैंने सभी को बना करके रेडी कर लिया है। दोनों साइड से लगा दीजिए, अगर नहीं पहुँचा है पीछे के हिस्से में तो इस तरह से दोनों तरफ से लगा करके इसे भी रेडी कर लिया है। तो ये सारी बना करके रेडी कर ली है मैंने भी फ्रेंड्स। अब हम इसको भी चलेंगे फ्राई करने के लिए, तो इसको ले लेते हैं हम एक प्लेट के अंदर। तो ये सभी को मैंने इसमें रख लिया है और इसमें क्या है, दोनों तरफ से इसमें हवा लग जाएगी थोड़ी सी, और जब तक हम इसको फ्राई करेंगे या बाकी के और बनाएंगे उससे पहले ये हवा लग जाएगी इसमें और बाकी को फिर हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ऑयल गरम कर लिया है और गरम करने के बाद में मैंने इसको इसमें डाल दिया है। और इसका भी हमें यही करना है कि हमें इसको फटाफट डालते ही पलट लेना है, और ये भी बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी, नहीं तो इसमें तो कलर भी चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने से ये थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें, बहुत ही पतली पतली सी बनाई है हमने, क्रिस्पी हो गई है। अब आप इसे चाहे तो कैसे भी सर्व करें, दही के साथ। और इसकी एक ख़ास बात और है कि आप इसे दही पपड़ी के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। भाई, हम दही पपड़ी बनानी है हमें, तो आप इस पपड़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मटरी हम बना रहे हैं ना, दो तीन तरह की है, आप किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने बना ली है दोनों तरह की रेसिपी, जो पहली थी मटर की मटरी और दूसरी है मसाले वाली मटरी। तो इन दोनों को बना करके मैंने रेडी कर लिया है। चलिए मैं इनको दिखाती हूँ आपको, दोनों ही कितनी क्रिस्पी बनी है। ये हमारी जो है मटर की मटरी, मसाले वाली मटरी, दोनों ही बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, ये तो है हमारी मसाले वाली मटरी, और इसी तरह से हमारी जो मटर की मटरी थी वो भी बहुत ही क्रिस्पी थी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी दो तरह की रेसिपी हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी पर। तो यहाँ पर जो मैंने मटर का डो लगा के रेडी किया था ना, उस मटर के डो को मैंने थोड़ा सा मटर का जो पेस्ट था वो रख रखा था, तो थोड़ा सा डो हम और लगा लेते हैं। वही उसमें नमक डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जीरा या अजवाइन, जीरा इसमें नहीं डालना है, इसमें डालना है अजवाइन, और अजवाइन का यूज़ करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मटर की पूड़ी। तो ये देखिए, डो हमने लगा लिया है, अब हम इसको चलते हैं बेलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली है पूड़ी के जैसी, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको पूड़ी की शेप में बेल देना है और वही गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको बना लिया है फ्रेंड्स। अभी देखिए, मटर से मैंने दो तरह की रेसिपी बताई है आपको, एक तो मटर की मटरी और दूसरी हमारी मटर की पूड़ी। तो दोनों ही पूड़ियाँ, दोनों ही रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी, मटर से बनी हुई है और एक है हमारी मसाले वाली मटरी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों रेसिपी है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। और तीनों ही अच्छी लगी तो आप इसके अंदर लाइक ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो ये देखिए, गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेते हैं पूड़ियों को। और इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है और ये फूली फूली हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन करके रेडी होने वाली है। और इसे हम जल्दी से पलट देते हैं, दोनों साइड से हमें इसको पलटते हुए सेकना है। देखिए, नीचे तो कलर आ गया है, ये फूल चुकी है तीनों, और हम इसको निकाल लेते हैं। तो कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हमारी जो है मटर की पूड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इसे हम निकाल लेते हैं, बाकी की और पूड़ियाँ भी इसी तरह से हम बना करके निकाल लेंगे। तो जब तक ये पूड़ियाँ निकलती है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन हो तो आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन ग्रीन कलर की हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो भी बनके रेडी हो चुकी है, फूली फूली हरी हरी पूड़ियाँ। तो चलिए इसको हम किसके साथ सर्व करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बनाई है दाल, तो इसे हम दाल के साथ सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी बहुत ही नरम नरम सी फूली फूली पूड़ियाँ हैं, इसे हम दाल के साथ सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसे इंजॉय करिए।